ये हमारा होता है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। जिस भी अगर ऑर्गन में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेल का साइज कम, उस ऑर्गन का साइज कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस ऑर्गन में एट्रोफी हो रही है। यार ये भी दो तरीके होती है, पहले होते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, जैसे नोटोकॉर्ड एट्रोफी हो जाती है, थायरोग्लोसल डक्ट, और यूट्रस का जो होता है वो साइज आफ्टर पार्चुएशन भी जाता है ड्यू टू एट्रोफी। यार पैथोलॉजिकल में जहाँ पर भी डिक्रीज वर्कलोड है, जैसे आपने देखा होगा जिसको अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो यार वहाँ की जो मसल होती है वहाँ पर वर्कलोड है ही नहीं, मतलब उस मसल को हिलाना है, उस बोन को हिलाना ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो एट्रोफाइड हो जाती हैं। देन अगर पैथोलॉजिकल में अगर वहाँ पर डीनर्वेशन हो गया, मतलब नर्व वहाँ पर नर्व डैमेज हो गई है, तो यार नर्व डैमेज हो गई है तो जिसकी वजह से भी हमारा जो ऑर्गन है वो एट्रोफाइड हो जाता है। देन यार डिक्रीज ब्लड सप्लाई, अगर कहीं पर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वो ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो फिर वहाँ पर भी एट्रोफी हो जाएगी। जैसे यार एग्जाम्पल हो गया हमारा इशीमिया, जाना इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर कोई बंदा किसी बंदे को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो भी यार उसका जो पूरे ऑर्गन्स रहेंगे वो, जैसे यार हमारा जो पीईएम में बच्चे होते हैं, प्रोटीन एनर्जी और न्यूट्रिशन में जो बच्चे होते हैं वो भी मोस्टली उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी मोस्टली एट्रोफी शो करते हैं। देन यार हमारा जो डिक्रीज्ड एंडोक्राइन स्टिमुलेशन लाइक हार्मोन्स, उसको उसको कोई पिट्यूटरी में उसकी कोई दिक्कत है, या तो हैपोथैलेमस को कोई दिक्कत है कि एग्जैक्ट हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। जैसे यार अगर ज़्यादा टीएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा अप्रोप्रिएट अमाउंट में तो ऑर्गन का ग्रोथ नहीं हो पाता ज़्यादातर। जैसे आपने सुना होगा ना कि टीएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो भाई, और इंक्रीज प्रेशर। अगर आपने देखा होगा यार कि अगर कि हम लोग किसी भी जगह पे बहुत देर तक बहुत ज़्यादा प्रेशर ला के रखें तो यार वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, इसकी वजह से वहाँ पर एट्रॉफी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो एट्रॉफी के ये होते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यार क्या करना है, वो अगर वो जो हमारी सेल है एट्रोफिक सेल है, एट्रोफिक सेल में सेल को काम ही नहीं करना है, उसका वर्कलोड ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रख के भी क्या कर लेगा वो। हमारा सेकेंड होता है डिक्रीज मायोफिलामेंट और थर्ड होता है डिक्रीज आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब उसको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना है तो क्या करेगा उतने सारे आरईआर रख के। तो अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म क्या होता है एट्रोफी का। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में क्या होता है, डिक्रीज सेल प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी अमीनो एसिड है हमारी उस सारी ये एट्रोफिक जो सेल है उसमें अगर एट्रोफी होने वाली है तो यार वो हमारा जो अमीनो एसिड है वो बाकी सेल के लिए काम आएगा, तो क्यों ही वेस्ट करना, तो यार उसको डिग्रेड कर देते हैं। और यह सेकेंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है हमारा, यूबीक्यूटिन प्रोटीजोम पाथवे, एक पाथवे होता है जिससे हमारा जो सेलुलर प्रोटीन है वो डिग्रेड होता है। तो चलो यार हम लोग देखते हैं कि यूबीक्यूटिन प्रोटीजोम पाथवे क्या होता है। तो जैसे यार कोई भी स्टिमुलस फॉर एट्रोफी आया, मतलब डिक्रीज वर्कलोड हो गया, जो हमारे हमने अभी 6-7 फैक्टर पढ़े थे ना, डिक्रीज इनर्वेशन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। यार इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी एक ट्यूमर सेल्स हो गई, अगर ये ट्यूमर सेल्स हो गई ना तो ये आजू बाजू की सेल्स का भी न्यूट्रिशन लेने लगती है, तो यार यहाँ पर एक पूरे जो यहाँ जितने वाले सेल्स है ना वो सारे एट्रोफाइड हो जाते हैं। जैसे हमारा सेल एक्टिवेशन, तो जैसे स्टिमुलस और एट्रोफी आया तो हमारे सेल एक्टिवेट यूबीक्यूटिन लाइगेज, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, यूबीक्यूटिन लाइगेज एक्टिवेट हो जाता है बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन। यूबिक्यूटिन लाइगेज है वो यूबिक्यूटिन प्लस को ऐड कर देता है सेलुलर प्रोटीन से, मतलब तो ये यूबिक्यूटिन लाइगेज है, तो इसका एक हाथ गया हमारे यूबिक्यूटिन पे और दूसरा हाथ गया हमारे प्रोटीन पे, तो इन दोनों को पास लाके मिला देता है, एकदम दोनों का मिलाप करवा देता है इस। तो यार फिर जैसे इन दोनों का मिलाप हुआ तो जो हमारा प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाएगा प्रोटियोसोम के अंदर जाके। ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया यूबीक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे का।